ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वच्छ होंगे। आज का ये टॉपिक है जाम्बिया के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया। जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। जाम्बिया का खुद का कोई पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जाम्बिया आप कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, जाम्बिया का पॉपुलेशन के बारे में, जाम्बिया का जो सी पोर्ट एयरपोर्ट के बारे में, करेंसी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और कौन से सारे प्रोडक्ट्स इंडिया जाम्बिया एक्सपोर्ट कर रहा है, करते आ रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। तो जाम्बिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, तंजानिया है और मोजाम्बिकी है। तो जाम्बिया का जो ईस्टर्न, जाम्बिया का खुद का पोर्ट नहीं है, इसलिए जाम्बिया डिपेंड करता है दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया का और साउथ अफ्रीकन पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाम्बिया का जो राजधानी है लुसाका। जाम्बिया का पॉपुलेशन है करीब 1,74,00,000 पॉपुलेशन है जाम्बिया, और करीब 25,000 इंडियंस वहां रहते हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। काफी सारे इंडियंस वहां का जो नेशनलिटी ले चुके हैं। तो ज्यादा करके जो इंडियंस गुजरात, हमारा जो भारत का जो गुजरात स्टेट है वहां से है, वहां पर जाके बस गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट काफी सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जाम्बिया में। सो जाम्बिया का जो राजधानी में बता दिया लुसाका है। उनका लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज वहां चलती रहती है, और इंग्लिश उनका जो मेन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और जाम्बिया का जो करीब 70 अफ्रीकन लैंग्वेज वहाँ बोला जाता है, और करीब 7-7 लैंग्वेज वहाँ का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंग्वेजेस है, जो गवर्नमेंट में यूज होता है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ इंग्लिश समझते हैं और बोलते हैं। तो जाम्बिया का सी पोर्ट के बारे में बात करेंगे, और जाम्बिया का जो एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और कौन से कार्गोज आप यूज करोगे उसके बारे में बात करूंगा। तो जाम्बिया का इकोनॉमी थोड़ा अच्छा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जाम्बिया एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो जाम्बिया का जो करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, जो इंडिया का करेंसी के ऊपर है, तो एक जाम्बियन क्वाचा इंडिया का करीब 3.55 रुपया मिलता है, यानी 1 जाम्बियन क्वाचा विल बी इक्वल टू 3.55 रुपीज़, क्योंकि जाम्बिया का इकोनॉमी थोड़ा अच्छा है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता रहता है। तो जाम्बिया का करेंसी इसलिए इंडिया का करेंसी से हाई है। तो अभी हम बात करेंगे जाम्बिया में अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो जाम्बिया का कौन से एयरपोर्ट से और कौन से सी पोर्ट से, उसमें मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जाम्बिया का जो मेन एयरपोर्ट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जाम्बिया का जो मेन एयरपोर्ट है केनेथ क्वांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका आयाटा का जो नंबर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, और उनका जो जाम्बिया का जो पोर्ट है डर्बन जो साउथ अफ्रीका में, डर्बन वेल्स बे पोर्ट जो है साउथ अफ्रीका, और तंजानिया का दार एस सलाम, ये दो मेन पोर्ट है जिसके ऊपर जाम्बिया डिपेंड करता है। तो ये दोनों पोर्ट में आप डर्बन का जो पोर्ट है और तंजानिया का जो दार एस सलाम, ये दोनों पोर्ट पे आप सी पोर्ट यूज कर सकते हैं। तो दोनों पोर्ट में जब आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा थ्रू ट्रक्स एंड जो एयर कार्गो सी कार्गो का यूज होता है ट्रक्स वगैरह, तो ट्रक से दोनों पोर्ट से जाम्बिया से वो ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। इसलिए आपको जब जाम्बिया एक्सपोर्ट करोगे तो जाम्बियन कार्गो एयर का सी कार्गो जो कंपनीज है, सी कार्गो कंपनीज है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, उनका आपको मदद लेना पड़ेगा। इसलिए आगे हम बात करेंगे कौन से कार्गो कंपनीज आप यूज करोगे जाम्बिया के लिए। तो मेन आपको मैंने बता दिया उनका जो एयरपोर्ट बता दिया और सी पोर्ट बता दिया, दोनों सी पोर्ट और एयरपोर्ट के बारे में बता दिया। अभी हम बात करेंगे कि जाम्बिया में आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहोगे इंडिया से, कौन से प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता रहता है, मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। तो मेन उनका प्रोडक्ट है रेडी स्ट्रक्चर फॉर ब्रिजेस, जैसा कि जो रेडीमेड यूज होता है स्ट्रक्चर ब्रिज के लिए, रोड के लिए जो यूज होता है रेडी स्ट्रक्चर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बोटल्स, फ्लास्क, जार्स, पोस और जितने सारे कॉपर, स्टील, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल जितना प्रोडक्ट है, मशीनरीज, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, टॉयज है,
और ह्यूमन हेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, विक्स वगैरह मशीन से मशीनरी प्रोडक्ट है, बुलडोज और बड़ा जो हैवी इक्विपमेंट है जैसे बुलडोजर्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, ये जितने सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए। और उनका जो एयर कार्गो आप यूज कर सकते हैं, DHL UPS एयर कार्गो, फ्राइट फर्स्ट फ्लाइट कुरियर कार्गो, DTDC एमिरेट्स स्काई कार्गो, फेडेक्स RMX और एयरलाइंस इंडिया से जाता है जो टर्किश एयरलाइंस, केनियन एयरवेज, एमिरेट्स, एथियाड एयरवेज, इथियोपियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये जो मेन जाम्बिया जाती है, और रुवांडन एयर जो जाती है, लेकिन रुवांडन एयर इंडिया से अभी फिलहाल नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, सो जितने सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट स्क्रीन में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए आप जितने सारे इंडिया से एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट्स वगैरह, जितने सारे इंडिया से प्रोडक्ट जाम्बिया एक्सपोर्ट होता है, पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो का जो अंत वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमेशा जाइए और देखिए क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता रहता है जाम्बिया। अभी हम बात करेंगे तो जाम्बिया का जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, आप देख लीजिए जाम्बियास मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स जो वर्ल्ड वाइड कौन है। सो फर्स्ट है स्विट्जरलैंड है, चाइना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इंडिया, हांगकांग, जिम्बाब्वे, मलवाई, तंजानिया, लग्जमबर्ग, केनिया और नामीबिया। सो इस कितने सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन ट्रेडिंग पार्टनर है जाम्बिया का। सो जितने सारे कंपनी में दिखा दिया उनका जो मिलियन का जो टर्नओवर है, कितना मिलियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं जाम्बिया, मैं आपको दिखा दिया। तो अभी हम बात करेंगे कि जाम्बिया अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो कौन से सारे कितने सारे कंपनीज जो कौन से ट्रेडिंग कंपनीज इम्पोर्टर्स बायर्स जाम्बिया में जो इंडिया से और वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते रहते हैं, कुछ कंपनीज का डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, बाकी सारे पूरी लिस्ट कंपनी का मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, तो देख लीजिए कुछ कंपनीज का लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो द लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज होलसेलर्स होलसेल मार्केट्स इन जाम्बिया, ये देख लीजिए, चौकोस है, स्पार है, सिटी मार्केट है, फूड लवर्स मार्केट है। सो ये जो कंपनीज आपको दिखा रहा हूँ ये है होलसेलिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, सुपरमार्केट्स इन जाम्बिया जहां पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो मैं जितना सारे लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनीज दिखा दिया, ट्रेडिंग कंपनीज है, होलसेलिंग कंपनीज है, सुपरमार्केट्स है, तो आपको वन बाय वन इस कंपनीज को गूगल में सर्च करना पड़ेगा, फिर उनका ईमेल लिस्ट कर लिए कर कॉपी पेस्ट करके उनको ईमेल करिए, आपका कंपनी का प्रोफाइल भेजिए उनको ईमेल कर लीजिए। और अगर आप जाम्बिया ट्रैवल करते हो फिर आप इन कंपनीज को सर्च करके गूगल में उनका एड्रेस लेके उनको जाकर मिल सकते हैं। जितने सारे कंपनी का मैंने लिस्ट दिखा दिया जाम्बिया का, इस कंपनीज का पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको ईजी होगा, आप उस कंपनी को सर्च करके गूगल में आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जाम्बिया में जो काफ़ी सारे येलो पेजेस है, डायरेक्टरीज या बिजनेस डायरेक्टरीज है, उस लिस्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये जाम्बिया का है येलो पेजेस, जो मेन उनका जो मेन साइट है zambiayp.com है, africabusinesspages.com है, ये सब साइट आपको दिखा, जाम्बिया वाईपी है, और ये मेन मेन जो जितना आपको एक्सपो का साइट में दिखा, सॉरी येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज B2B ट्रेड साइट, ये जाम्बिया का है, अफ्रीका का है, आप देख लीजिए। सो जितने सारे साइट में आपको दिखा दिया इन साइट को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप इन साइट को लॉग इन करिए, कॉपी पेस्ट करके लॉग इन करिए, हर साइट में जाके आप रजिस्टर करिए आपका कंपनी और आपका प्रोडक्ट सर्विस ऐड करके प्राइस ऐड कर लीजिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि जाम्बिया का जो कंपनीज है जब सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई दे, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और अभी बात करेंगे जाम्बिया में बहुत सारे एक्सपो और एग्जीबिशन होता रहता है,
तो मैं कुछ एक्सपो साइट्स और जाम्बियन इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको दिखा रहा हूँ, साइट में आप देख लीजिए। ये है द एक्सपो साइट्स ऑफ जाम्बिया एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ जाम्बिया। सो मेन साइट है agritech-expo.com, tentypes.com, events-i.com, ये जो मेन साइट है, और कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर है आपको दिखा रहा हूँ। तो आप एक्सपो में अगर भाग लेना चाहते हो जाम्बिया में, तो आप इन साइट में जाके रजिस्टर करिए, और जाम्बियन कंपनीज का काफ़ी सारे लिस्ट इसमें रहता है। अगर आप इन साइट में जाके रजिस्टर करोगे और आप एक इस एक्सपो में भाग लेना चाहते हो, तो फिर आप इस एक्सपो का जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको ईमेल करिए कि आप जाम्बिया में जाके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करना चाहते हो एक्सपो में। फिर उनका जो खर्चा आएगा, उनका जो प्राइसेस वगैरह वो आपको बता देंगे। ज़्यादा करके 4-5 लाख रुपया खर्चा आता है इंडिया का। फिर आप वहाँ जाके एक्सपो में भाग लीजिए। देखिए, जितने सारे एक्सपो में और एग्जीबिशन में आप भाग लोगे, तो पार्टिसिपेट करोगे, तो उतने सारे आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो इधर आपके पास अगर बजट है, आप जाके भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए आपको प्रोडक्ट सर्विसेज का, या आप एक बार विजिट करिए जाम्बिया, फिर आपको मालूम पड़ेगा वहाँ का कंपनीज के बारे में, वहाँ का इंपोर्टर्स के बारे में, और वहाँ का क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने सारे आपको दिखा दिया मैंने, और काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर है मैं आपको दिखा दिया। अगर आप जाम्बिया जाओगे बिजनेस सिलसिले में, इस न्यूज़पेपर में आप आपका एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं कि आप एक एक्सपोर्टर है इंडिया से, और आप जाम्बिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और आप फिलहाल जाम्बिया में है, और आप इम्पोर्टर्स को मिलना चाहते हैं। इस बारे में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आप इस न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं। और देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा करके रेडियो चलता है, अभी भी रेडियो चलता है। तो आप वहाँ का जो लोकल रेडियोज है, रेडियोज में आप थोड़ा पैसा देके आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, एग्जाम्पल ऐसा एडवर्टाइज उनका लैंग्वेज में, उनका जो अफ्रीकन लैंग्वेज है जाम्बिया का इंग्लिश, या वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं कि आप एक एक्सपोर्टर है भारत से, आप जाम्बिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और आपको इम्पोर्टर्स को मिलना है। अगर कोई इम्पोर्टर्स इंटरेस्टेड है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ऐसा करके आप रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, या इस इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आप एडवर्टाइज दे सकते हैं, या लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे सकते हैं, ताकि वहाँ का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स इम्पोर्टर्स वगैरह वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, फिर आप मीटिंग कर सकते हैं। जब भी आप जाम्बिया जाओगे, इंग्लिश में आपका प्रोफाइल बनाइए, आपका बिजनेस कार्ड बनाइए, और इंडिया से आप जितने सारे एयरलाइंस आपको बता दिया, उस एयरलाइंस का एयर कार्गो के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एयर कार्गो हमेशा एयर कार्गो कार्गो फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट को आप मदद लीजिए, ताकि क्योंकि जाम्बिया जब एक्सपोर्ट करोगे, जाम्बिया का खुद का जैसा बताया सी पोर्ट नहीं है, तो तांजानिया का दारेसलाम में जाएगा, और डरबन जाएगा साउथ अफ्रीका में, फिर वहाँ से बाई ट्रक से आपका प्रोडक्ट जाएगा लुसाका। इसलिए वहाँ का जो लोकल फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज रहेगा, कार्गो कंपनीज, आपका प्रोडक्ट को वहाँ से बाई रोड लेके आएंगे लुसाका। इसलिए आपको कितने सारे DHL जैसे कि एयर कार्गो हो गया, या वहाँ का बहुत सारे एयर कार्गो, आप गूगल में जाके एयर कार्गो या सी कार्गो फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज इन लुसाका आपको मालूम आपको मिल जाएंगी। या इंडिया में आप मुंबई या जितने सारे हमारा जो जैसा कि केरल में गोवा, मुंबई, गुजरात, इससे बहुत सारे जो हमारा स्टेट है, वहाँ से आपको बहुत सारे फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इंडिया से आप कैसे आपका प्रोडक्ट जाम्बिया एक्सपोर्ट करोगे। और हमेशा coboport.com में आप सर्च कर लीजिए इंडिया टू दारेसलाम और डरबन का पोर्ट में, आप अगर सी कार्गो में आपका प्रोडक्ट भेजोगे तो कितना आपका पैसा लगेगा 40 फीट और 20 फीट कंटेनर्स का, तो हिसाब से आप आपका प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए। और दूसरी बात है coboport हमेशा यूज कर लीजिए, और आपका coboport में आप फ्राइट का आपका जो कंटेनर का बुकिंग भी आप कर सकते हैं, उसका प्राइस आपको 10-15 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगी। जितने सारे प्रोडक्ट आपको बता दिया, इन प्रोडक्ट का लिस्ट मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए कितने सारे प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस आपको मिलेंगे लुसाका में, काफ़ी सारे गुजरात से भाई, जो गुजरात भाइयों ने वहाँ पर बस गए हैं, गुजरात से हैं, और बाकी सारे दूसरा स्टेट से, दिल्ली से भी जाकर के काफ़ी सारे लोग वहाँ बस गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप
जाम्बिया में खुद बिजनेस करना चाहते हैं, वहां खुद आपका कंपनी रजिस्टर करके वेयरहाउस लेके दुकान लेके आप खुद रिटेल में सेल कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या बाकी का जो जाम्बिया का नेबरिंग कंट्रीज है, तंजानिया है, मोजाम्बिक्यू है, जितने सारे कंट्रीज है आप रीएक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स आपको मैंने बता दिया, आप हमेशा हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, कितने सारे लिस्ट में आपको ऐड कर लेता हूँ, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगा कितने सारे इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, सुपरमार्केट से इन जाम्बिया और ट्रेडिंग कंपनीज इन जाम्बिया जो आपसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, और जाम्बिया का एक्सपो साइट्स और जाम्बिया का येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरी जहाँ पर आप जाम्बियन कंपनीज का डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप एक ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, बिजनेसमैन हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा इस चैनल में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो प्राइस है 5000 से स्टार्ट होता है, 3 लाख तक प्राइस है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो आप एडवर्टाइजमेंट दोगे तो हमारा जो मल्टीपल चैनल है यूट्यूब चैनल से और बहुत सारे हमारे काफ़ी सारे ब्लॉग साइट से, हमारे सारे काफ़ी सारे हमारा वेबसाइट से, तो उन साइट में हम आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल में भी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और उनका जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, अगर आप एक इंटरेस्टेड हो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, आपका प्रोडक्ट को हम वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट करेंगे फॉर एक्सपोर्ट। अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग के साथ आप शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का डिटेल्स, वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी को काम आ जाए। आगे हम मिलेंगे आगे का वीडियो में, तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।